ग्रीन सॉल्ट में आज का टॉपिक है वो रात की रानी पे है। तो रात की रानी की आप देख रहे होंगे आज एक आजकल अभी हाल फिलहाल जितनी गर्मी पड़ रही है उसके बाद एक कॉमन बीमारी सब में देखने को मिली वो लीफ कर्ल का। तो लीफ कर्ल जो है वैसे तो अपने आप एक बीमारी है, पर अगर रात की रानी की बात की जाए तो ये इसमें बीमारी नहीं है, ये गर्मी से बचने के लिए अपनी लीफ को बचाने के लिए अपने आपको फोल्ड कर लेता है इस तरीके से ताकि जो इसका पानी वगैरह वो ज़्यादा ना उड़े। तो ये इसका प्रोटेक्ट अपने आप को बचाने का एक तरीका है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई ये डिजीज़ लग गई इसकी जो लीफ हो गई है। अब हो क्या रहा है कि टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है, अपनी लीफ वगैरह को बचा रहा है। अभी देखिए जैसे प्लांट तो बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर रहा है और इस पर देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डिजीज़ है या मर जाएगा कुछ होगा, ये इसका नॉर्मल है। क्योंकि मेरे पास ये तीन साल से है, 3 साल में हर साल इनके साथ ऐसा ही होता है कि जैसे गर्मी बहुत तेज़ होगी अपनी लीफ को कर्ल कर लेगा। मैं सोचता था पहले ये भी डिजीज़ है, पर ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है, ये अपना आपको गर्मी से बचाने का इनका अपना तरीका है। फिर भी मैंने देखे इसको ऐसी इस डायरेक्शन में प्लेस किया हुआ है ताकि आम की छाया मिले, कम धूप मिले, उसके बावजूद इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, उसके बावजूद इसका हाल है। अगर सोचिए अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो उसका हाल क्या होगा, यानी कि इसके बचने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको रात की रानी अगर आपके पास प्लांट है ना तो उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ शेडेड हो, थोड़ा सा उसको धूप कम मिले, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप उसको छाया में रख दें, थोड़ा ऐसी जगह रखें जहाँ उसको धूप कम मिले ताकि इसको क्या है कि उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहे। तो अभी ये मुझे पता है कि ये प्लांट मेरा बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक चलेगा एकदम, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, और कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ चीज़ों का नेचुरल प्रोसेस होता है अपने आप को बचाने का। तो ये इसका प्रोसेस है अपना, और ये अगर ये प्रोसेस अगर छोड़ देगा ये ऐसे बिल्कुल नॉर्मल प्लांट की तरह बिल्कुल छुई मुई की तरह बचा के रखेंगे तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना छोड़ देगा। तो जो हो रहा है होने दीजिए, अगर ये आपके प्लांट के साथ भी हो रहा है तो घबराइए मत, ये एक नेचुरल प्रोसेस है बिल्कुल, और इसके लिए आप अलग से कोई खाद पानी ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ये और स्ट्रेस में चला जाएगा बल्कि। तो इसको नेचुरल जैसा है छोड़ दीजिए अभी अभी, बल्कि मेरा सजेशन है कि आपको अभी कोई खाद वाद मत दीजिए, जैसे आपके प्लांट के साथ कुछ भी हो रहा है, जो लीफ और बर्न हो रहा हो कुछ भी हो रहा हो, कोई खाद मत दीजिए क्योंकि इतनी गर्मी है वो खाद इन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी बस 1 महीने की बात हो रहा है, जुलाई जुलाई की बात है, जुलाई के बाद जैसे ही बस जून आएगी, जून में बारिश शुरू हो जाएगी, बारिश के बाद आपके प्लांट इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे तब इनको आप खाद दीजिएगा, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अपने रात की रानी का ध्यान रखिएगा, और अगर लीफ उसकी मुड़ रही है तो घबराइए मत, उनका बस एक नेचुरल प्रोसेस है।